हमारे बीच में सरपंच उदया कटक लिया के पधारी हुई है। हाई स्कूल वाला पूछ उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच की ओर आए। गुप्ता सर उदय डम्बल को निकलवाई। हाँ डम्बल निकाले आज पूरे देश में व्यायाम पद्धति पूरे विश्व में व्यायाम को अपनाया जा रहा है। आज 169 देश योग की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत भूमि जिसके जहाँ इस विद्याओं का सृजन हुआ उस विद्याओं में युवा पीढ़ी में ये गुणवत्ता की स्थिति बढ़ रहा था। ये कारी बिंदल अपनी ओर एक प्रयास करता है। इसी प्रकार आर्य समाज का यूथ वीक है, आर्य समाज इसी प्रकार राजनीति में है हिस्सा न ले सके मानव निर्माण का काम करता है। वेदों की ओर लौटो, प्राचीन भेद ज्ञान की ओर समाज को अग्रसर करने का एक आंदोलन आर्य समाज है। उसी का युद्ध भी आज हम देख रहे हैं, उसके माध्यम से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया है। विशुद्ध रूप से बच्चों का सार्विक निर्माण का संसार में महर्षि दयानंद कहते हैं तीन प्रकार के निर्माण होना चाहिए, सार्विक आत्मिक और सामाजिक। अगर व्यक्ति सार्विक दृष्टि से परिपुष्ट है और आध्यात्मिक उसकी मानसिक समझता है तो समाज का उत्तम निर्माण कर सकता है, समाज का एक सच्चे सेवक राष्ट्र का नागरिक बन सकता है। इसी उद्देश्य को लेके आर्य समाज सार्विक आत्मिक एवं सामाजिक उन्नति की अग्रसर करने की दिशा में बच्चों का युवाओं का निर्माण और ये व्यायाम की आत्मसात करें आज के युवा पीढ़ी और अपने आप का शारीरिक निर्माण करें, शरीर स्वस्थ बनाएं। इसी उद्देश्य से आर्य मृदल पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर में पूरे देश में चलता है। अभी ये हम प्रदेश स्तर में छत्तीसगढ़ की ओर से ये प्रयास है। साथ में हम लोग आवासीय शिविर भी लगाते हैं, जिन आवासीय शिविरों में बच्चों को 7 दिन तक वहीं उनकी संपूर्ण व्यवस्था देके उनका